हाय एवरीवन, मानवी एंड आयु क्रिएशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सूजी केक की रेसिपी बिना मेजरिंग कप्स के, और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और सामग्री सारी ऐसी कि आपको इजीली घर में अवेलेबल हो जाए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है। इसके लिए मैंने लिया है एक बॉल सूजी। सूजी को और फाइन बनाने के लिए हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। जिस बॉल का यूज़ करते हुए हमने सूजी लिया था, उसी बॉल का यूज़ करते हुए आधा बॉल हम दही लेंगे। आप अपने घर की किसी भी कटोरी, किसी भी बॉल का यूज़ कर सकते हैं। बस आपको सारी सामग्री फिर उसी से नाप कर लेना है, तो आपका सूजी का केक बहुत अच्छा बनेगा। तो हमने आधा बॉल दही लिया है। अब एक स्ट्रेनर लेकर हम इसमें आधा बॉल प्लस दो एक्स्ट्रा छोटे चम्मच पीसी हुई शुगर का यूज़ करेंगे। शुगर और सूजी को हम छानकर यूज़ करेंगे और दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। शुगर और दही यूज़ करने के बाद अब हम इसमें एक चौथाई बॉल ऑयल का यूज़ करेंगे। ऑयल ऐसा यूज़ करना है जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, नहीं तो केक अच्छा नहीं लगता है। अब हमें सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं मिक्स करने के लिए स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसको मिक्स करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड विसर का भी यूज़ कर सकते हैं। उससे मिक्स करना ज़्यादा इजी हो जाता है। बस हमें इसको इतना ही मिक्स करना है कि शुगर आसानी से डिसॉल्व हो जाए। सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब एक स्ट्रेनर लेकर हम इसमें सूजी को छान लेंगे। सूजी को हमने पहले से ग्राइंड कर लिया था, तो ये बिल्कुल फाइन हो गई है, लेकिन हम इसका यूज़ भी छान कर ही करेंगे। सूजी डालने के बाद सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम सूजी को आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। इससे जो सूजी है वो सॉफ्ट हो जाएगी और केक बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हम सूजी को आधे घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं। तो जब तक हमने सूजी को रेस्ट दिया है, तब तक हम एक 6 इंच का केक टीन लेकर उसमें पार्चमेंट पेपर लगा देंगे। मैं इसको ना ही डस्ट कर रही हूँ, ना ही ग्रीस कर रही हूँ, ओनली इसमें पेपर लगा रही हूँ, वो भी सिर्फ बॉटम में। मैं साइड में पेपर नहीं लगा रही। इसमें साइड में पेपर नहीं लगाने पर भी केक बहुत अच्छा बनेगा। अब हम लेंगे थोड़ी सी टूटी फूटी और इस पर एक चौथाई छोटा चम्मच मैदा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये बैटर में इवनली स्प्रेड हो जाए। आप इसमें टूटी फ्रूटी की बजाय कोई और नट्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब हम कुकर में स्टैंड डालकर उसको 10 मिनट के लिए प्री हीट कर देंगे और उसकी सीटी निकाल देंगे। कुकर को लो फ्लेम पे ही प्री हीट करना है। और अब सूजी को भी आधा घंटा हो गया है, तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं जब तक कुकर प्री हीट हो जाएगा। आधे घंटे के बाद हम सूजी को चेक करते हैं, ये काफ़ी थिक हो गई है। तो हमने हाफ बॉल दूध लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध का यूज़ करेंगे। जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा उसी अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध का यूज़ करेंगे। हमें केक बैटर की रिबन कंसिस्टेंसी चाहिए थी, तो हमने इसमें थोड़ा और दूध ऐड किया है, और अभी जो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। आपको इसकी ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस डालकर इसको मिक्स कर लेना है। बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे हम एक चौथाई छोटा चम्मच विनेगर। और विनेगर डालने के बाद इसमें बहुत अच्छे बबल्स आते हैं और केक बहुत अच्छा बनता है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विनेगर डालने से केक खट्टा नहीं होता है, बल्कि बहुत अच्छा पफ होता है। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी डाल देंगे, और टूटी फ्रूटी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी हम बचा लेंगे, ताकि हम केक को ऊपर से डेकोरेट कर सकें। अब हम बैटर को केक टीन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद 3 से 4 बार हमें केक टीन को टैप करना है, ताकि एयर बबल्स निकल जाए और केक अच्छा पफ हो। केक टीन को हमने प्री हीट कुकर में रख दिया है।
और बची हुई टूटी फ्रूटी से हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। अब 30 मिनट के लिए हम कुकर को ढककर केक को बैक कर लेंगे। तो 30 मिनट हो गए हैं और अब हम अपने केक को चेक कर लेते हैं। हमारा केक बहुत अच्छा फूला है। अब हम इसको टूथपिक से भी चेक कर लेते हैं। तो टूथपिक एकदम क्लीन है। तो हमारा केक बेक हो चुका है। केक को बेक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, तो अगर आपका टूथपिक क्लीन नहीं है तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए और बेक कर लीजिए और उसके बाद इसको दोबारा चेक कर लीजिए। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको सूजी का केक कैसा बेक हुआ है। क्योंकि विंटर का टाइम है और मेरे बच्चे खाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, तो मैंने इसको ठंडा नहीं किया है, इसको गर्मा गर्म ही निकाल लिया है और ये देखने में बहुत यम्मी लग रहा है। विंटर के टाइम में गर्मा गर्म केक, चाहे वो सूजी का हो चाहे आटे का हो, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे तो मैंने गर्मा गर्म ही इसको निकाल लिया था। तो अब मैं आपको इस केक का एक पीस कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत स्पॉन्जी है और खाने में तो और भी टेस्टी होगा। तो कैसी लगी आपको आज के सूजी के केक की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।